सो हे गाइस, वेलकम टू दी रैश केयर। स्वागत है आपका रैश केयर के इस एक नए वीडियो में। तो गाइस, फाइनली टीवीएस वालों की जो नई बाइक आने वाली है उसकी सारी डिटेल्स आ चुकी है। तो इस वीडियो में इसी बाइक के बारे में कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूं। इस बाइक का नाम क्या होगा, इस बाइक को कब तक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा, इस बाइक में हमें क्या कुछ नए फीचर्स देखने मिलने वाले हैं, किस तरह के लुक्स आपको इस बाइक में देखने मिलेंगे वगैरह वगैरह, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के नाम के बारे में। तो गाइस, इस बाइक का जो नाम बताया जा रहा है वो है रॉनिन 225। बेसिकली ये एक क्रूजर सेगमेंट की बाइक होने वाली है। अब तक हमें टीवीएस की तरफ से कोई भी क्रूजर सेगमेंट की बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में नहीं देखने मिलती है। तो ये पकड़ के चलो कि टीवीएस की ये फर्स्ट बाइक होगी जो कि क्रूजर सेगमेंट में एंट्री करने जा रही है, और टीवीएस वाले इस बाइक में कोई भी कमी नहीं रखने वाले। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। इस बाइक में जो फीचर्स आपको ऑफर किए जाएंगे वो सभी टॉप नॉच होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस बाइक के लुक्स के बारे में। तो गाइस, जिस तरह आपको बजाज की एवेंजर देखने मिलती है उस तरह के लुक्स तो नहीं, वो भी एक क्रूजर सेगमेंट की बाइक है। तो ये पकड़ के चलो कि ये बाइक डायरेक्टली टक्कर देने आ रही है बजाज की एवेंजर को। हम यहां पर रॉयल एनफील्ड की बाइक को भी बोल सकते थे, लेकिन इस बाइक का जो इंजन है वो रॉयल एनफील्ड के टक्कर का तो नहीं होगा, लेकिन बजाज की एवेंजर 220 आती उसको इजीली ये बाइक टक्कर दे देगी इन टर्म्स ऑफ इंजन, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। ये बाइक कंप्लीटली उस बाइक को टक्कर देने वाली है। तो सबसे पहले बात ही कर लेते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया 225 सीसी का आपको इसमें इंजन ऑफर किया जाने वाला है, जो कि एक सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व इंजन होने वाला है। ये इंजन आपको FI टेक्नोलॉजी और BS6 नॉर्म के साथ डायरेक्टली देखने मिलने वाला है। इस इंजन के अगर मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क के बारे में बात करें तो 20 bhp का मैक्सिमम पावर आपको इस बाइक में इजीली देखने मिल जाएगा, और 20 न्यूटन मीटर का ही टॉर्क बताया जा रहा है आपको इस बाइक में देखने मिलने वाला है। वहीं बात करें इस इंजन के ट्रांसमिशन के बारे में, तो गाइस यहां पर अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है इस बाइक में 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इस बाइक का गियर बॉक्स हमें देखने मिल सकता है। लेकिन गाइस, मुझे यहां पर लगता है शायद हमें 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इस बाइक का गियर बॉक्स ऑफर किया जाएगा। और गाइस, टीवीएस वालों का आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा, वो लोग अपनी बाइक्स में कोई भी कमी नहीं रखते इन टर्म्स ऑफ फीचर्स या क्वालिटी वाइज या सेफ्टी वाइज, वो सभी फीचर्स आपको उस बाइक में प्रोवाइड करते हैं। और टीवीएस की हिस्ट्री रही है गाइस, काफी टाइम से अपने प्रोडक्ट्स में वो लोग इंप्रूवमेंट करते आ रहे हैं। आप लोग टीवीएस की हिस्ट्री देख सकते हो, पिछले कुछ सालों से टीवीएस ने जो कमाल किया है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में वो काबिले तारीफ। गाइस, हर एक ब्रांड की अपनी अपनी हिस्ट्री रहती है। अभी मैंने आप लोगों को टीवीएस की हिस्ट्री बताई, और भी अदर ब्रांड्स की हिस्ट्री होगी जिनमें आप लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्ट होगा जानने के लिए। और फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को रॉयल एनफील्ड की हिस्ट्री जाननी है तो एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पर आपको इनकी हिस्ट्री मिलेगी। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कुकू FM। कुकू FM एक ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको 1000 घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट देखने मिलता है, जिसमें आपको मोटिवेशनल, फेमस पर्सनैलिटी, एजुकेशनल काफी सारे कंटेंट आपको दिए गए हैं। और अभी तो यहां पर एक स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है, जो फर्स्ट 250 यूजर्स होंगे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे उन्हें 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। नॉर्मली यहां पर जो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन रहता है वो 399 rupees का होता है, लेकिन अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करोगे तो आपको 199 rupees में ही सब्सक्रिप्शन देखने मिल जाएगा 1 ईयर के लिए। तो जाइए, अपनी जितनी भी बुक्स है जो आप लोगों को ऑडियो के फॉर्म में सुननी है, जिन भी ब्रांड की हिस्ट्री जाननी है, तो आप लोग कुकू FM में उनकी हिस्ट्री जान सकते हो, वो भी ऑडियो के थ्रू। तो काफी ज्यादा इजी हो जाएगा और काफी ज्यादा आप लोगों का टाइम भी सेव होगा। वहीं बात करें इस बाइक के टॉप स्पीड और माइलेज के बारे में, तो गाइस ये फिगर्स तो अभी तक कुछ सामने नहीं है। जब इस बाइक को लॉन्च कर दिया जाएगा तभी हम इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इस बाइक के टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन के बारे में। तो गाइस, ऐसा बताया जा रहा है इस बाइक में जो टायर सेक्शन आपको देखने मिल सकते हैं फ्रंट में, 110/70 सेक्शन के टायर आपको इसके फ्रंट में देखने मिल सकते हैं विद 17-inch अलॉय व्हील्स के साथ। और वहीं बात करें पीछे के टायर सेक्शन के बारे में, तो पीछे का टायर बताया जा रहा है थोड़ा वाइडर होगा, 140/70 सेक्शन का आपको वाइडर टायर देखने मिल सकता है पीछे। और साथ ही के साथ पीछे भी आपको 17-inch का ही अलॉय व्हील ऑफर किया जाने वाला है। अभी ये क्रूजर सेगमेंट की बाइक होने वाली है तो हो सकता है इसमें हमें स्पोक व्हील देखने मिले, या फिर बजाज की एवेंजर को टक्कर देने के लिए हो सकता है टीवीएस वाले यहां पर कमाल कर दें और हमें इस बाइक में भी अलॉय व्हील का ही ऑप्शन देखने मिले। वहीं बात करें इस बाइक के ब्रेकिंग ड्यूटीज के बारे में, तो गाइस बताया जा रहा है फ्रंट एंड रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक तो देखने मिलेगी। फ्रंट में बताया जा रहा है थोड़ी बड़ी डिस्क ब्रेक
ब्रेक होगी, डायमेंशंस अभी तक कुछ सामने नहीं आए, और डिस्क ब्रेक के साथ साथ आपको इस बाइक में ड्यूल चैनल ABS का भी ऑप्शन देखने मिल जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये बाइक फुली फीचर लोडेड होने वाली है। वहीं बात करें इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में, तो गाइस यहां पर बताया जा रहा है इस बाइक के फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही हमें देखने मिलेंगे, पीछे बताया जा रहा है मोनोशॉक सस्पेंशन आपको ऑफर किया जाएगा। हो सकता है गाइस TVS वाले इस बाइक के साथ फर्स्ट टाइम क्रूजर सेगमेंट में एंट्री कर रहे हैं, तो इस बाइक के सस्पेंशन में हमें फ्रंट में USD फोर्क ऑफर कर दे, तो यहां पर अगर ऐसा TVS वालों ने कर दिया तो भाई कमाल ही हो जाएगा। और एवेंजर 220 इस बाइक के सामने कहीं पर भी खड़ी नहीं होने वाली है, चाहे बात करें पावर फिगर्स को लेकर, क्योंकि इस बाइक के जो भी पावर फिगर्स बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये बाइक काफी ज्यादा पावरफुल होने वाली है। बात करें इस बाइक के लाइटिंग ड्यूटीज के बारे में, तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्रूजर सेगमेंट की बाइक है, तो फ्रंट में आपको बताया जा रहा है राउंड शेप की, हो सकता है इसमें LED लाइट्स ऑफर की जाए, जिसके सराउंडिंग में आपको LED DRLs का भी ऑप्शन देखने मिल जाएगा, और जो टेल लाइट होगी इस बाइक की उसमें भी आपको LED लाइट्स का यूज देखने मिलने वाला है, और जो इस बाइक के टर्न इंडिकेटर्स होंगे फ्रंट एंड रियर दोनों में ही आपको LED लाइट्स देखने मिलने वाली है। तो इन शॉर्ट इस बाइक में कंप्लीटली आपको LED लाइट्स ही देखने मिलेगी। अब बात करते हैं इस बाइक के मेन हाईलाइट के बारे में, जो कि होगा इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट कंसोल। जी हां गाइस, बताया जा रहा है फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल होगा, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन देखने मिल जाएगा। TVS वालों की जो खुद की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो फीचर्स आपको इस बाइक में देखने मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप लोग अपने स्मार्टफोन को इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ कनेक्ट कर पाओगे और इजीली नेविगेट कर पाओगे। वहीं बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के कुछ और फीचर्स के बारे में, तो गाइस बताया जा रहा है स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, सभी इंडिकेशन आपको डिजिटल फॉर्म में देखने मिलेंगे इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही के साथ बताया जा रहा है इसमें आपको USB चार्जिंग का पोर्ट भी देखने मिल जाएगा। इस बाइक के कुछ और की फीचर्स के बारे में बात करें, तो गाइस बताया जा रहा है यूनिक हाइब्रिड सिस्टम के साथ ये बाइक हमें देखने मिलने वाली है, जिसमें जो माइलेज होगा, जो बैलेंसिंग होगी वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। TVS की ये जो बाइक आने वाली है ये एक नए फीचर्स के साथ आएगी। TVS वाले काफी सारे नए फीचर इस बाइक के साथ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। इस बाइक के अगर कुछ डायमेंशन के बारे में बात करें, तो गाइस बताया जा रहा है इस बाइक की जो सीट हाइट है वो हमें 725 mm के आसपास देखने मिल सकती है। इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो हमें 160 mm तक देखने मिल सकता है। इस बाइक का जो कर्व वेट होगा वो हमें 168 kg तक देखने मिल सकता है। और वहीं बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो गाइस बताया जा रहा है 20 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस बाइक में देखने मिल सकती है। अब फाइनली बात करते हैं, जिसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो, इस बाइक की प्राइस और इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो गाइस बताया जा रहा है इस बाइक की जो एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम प्राइस हमें देखने मिल सकती है वो अराउंड 1,60,000 से लेकर 2 लाख तक हमें इसकी एक्स शोरूम प्राइस देखने मिल सकती है। और वहीं बात करें इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में, कंफर्म लॉन्च डेट के बारे में, तो गाइस नेक्स्ट मंथ यानी कि 6 जुलाई 2022 में ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च की जा रही है। इस बाइक का जो लाइव लॉन्च इवेंट है वो आपको इसी चैनल पर देखने मिलेगा, तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन यहां पर आपको देखने मिल जाएगी। जो लाइव लॉन्च इवेंट है वो 4 बजे के आसपास स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग नोट करके रख लेना, तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कर दो, उनको भी बता दो कि यार TVS वालों की क्रूजर बाइक आ रही है। जो लोग भी आपके फ्रेंड्स क्रूजर बाइक लेने का सोच रहे उन लोगों को बोल सकते हो आप लोग कि फिलहाल आप लोग वेट करो, क्योंकि TVS वाले भी क्रूजर सेगमेंट में एंट्री करने जा रहे हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।